The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So दोस्तों बहुत ही ज्यादा tricky question आ रहे हैं और एक question आया जो कि जी हाँ important भी है, क्या kissing से, sex करने से, intercourse करने से, संबंध करने से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, मतलब एक पर्सन के साथ जिससे हमने संबंध किया, अगर उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो क्या आपको इन्फेक्शन फैलेगा? क्या ये एक नॉर्मली, तो ये एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब ये बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉन्सेंट्रेटेड है ये वायरस, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा सेप्सिस में चले जाते हैं, जब पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, ऑब्वियसली तब पेशेंट की कंडीशन ही होगी नहीं सेक्स करने की, बात अलग, मगर ये बड़े छोटे ड्रॉपलेट्स हर पेशेंट जो लिटरली बात पेशेंट के छींकने खांसने तक सीमित नहीं है, अगर आप किसी पेशेंट जो ऑलरेडी इसके जिसके उससे बात भी कर रहे हो, वो लैफ कर रहा है, वो सिर्फ मुंह खोल भी देता है, तो भी स्पर्ट हो सकते हैं. जी हाँ, इसीलिए डॉक्टर्स के लिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स अगर आपकी जबान भी देखेंगे तो स्क्रीन पहन के देखेंगे, स्क्रीन वो जो स्क्रीन गार्ड होता है वो पहन के जबान भी देखेंगे, वरना स्पर्ट हो जाता है और आप फ्री फालतू में एक्सपोज हो जाओगे और आप फिर दूसरों को फैलाओगे. ये केसेस देखे गए हैं, इसीलिए आप सोचिए, मुंह खोलने पे स्पर्ट होता है, बात करने पे होता है, लाफिंग पे होता है, कफिंग पे होता है, स्नीजिंग पे होता है, अगर आप बहुत ही छोटी 6 फीट 1 मीटर 6 फीट की दूरी में हैं तो भी हो सकता है. तो फिर ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसिंग करेंगे, सेक्स करेंगे, फिजिकली इंटीमेट होंगे तो ऑब्वियसली यू आर एट रिस्क. 100% आपको होगा क्या? 100% गारंटी तो किसी की भी नहीं. आग बन करके रोड पर निकलोगे तो भी 100% गारंटी नहीं है कि मरोगे, मरोगे फिर भी हो सकता है, आगे वाला रोक दे, ब्रेक मार दे, व्हाटएवर इट इज. सो 100% नहीं है, लेकिन यू आर एट रिस्क, राइट? इट्स नॉट रियली प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सीमेन में हो या ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन यस इट्स प्रेजेंट इन योर सलाइवा. सो आपके सलाइवा से दूसरे में जरूर जा सकता है, सो किसिंग से जरूर फैल सकता है. अगर आपको पक्का पता है दूसरा कोई सिम्टोमेटिक नहीं है तो बिल्कुल आप जो मर्जी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है वो सिम्टोमेटिक है तो फिर नो. याद रखिए, फिजिकल इंटरवर्सी विल कॉज अ लिटिल रिस्क. देन अगर आपको इन्फेक्शन है तो कब तक इन्फेक्शन को फैला रहे हो, बताओ. सर मेरे को खांसी है तो क्या मैं आज से किसी को जिंदगी में किस नहीं कर सकता? ऐसा नहीं. यू कैन बी इन्फेक्शियस फॉर अप टू 2 वीक्स विदाउट फीलिंग सिक. पहला पॉइंट, अगर आप बीमार नहीं भी फील कर रहे हो तो भी 2 हफ्ते तक इन्फेक्शियस हो सकते हो, और हो सकता है आप ऑलरेडी फैला रहे हो, तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट देन उस केस में क्या किया जा सकता है. लेकिन अगर आप सिक हो तो आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आप नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं. लेकिन ऐसे कुछ केसेस भी हैं जो ट्रीटमेंट के बाद, सिम्टोमेटिक रिलीफ के बाद भी 1-2 हफ्ते तक फिर भी वायरस शेडिंग कर रहे होते हैं. सो भाई साहब, अवॉइड किसिंग. जी हाँ, अवॉइड किसिंग. अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, जो साइंस बोल रहा, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो है, बट क्या कर सकते हैं. हाँ, अगर आप घर में बंद हो और सब घर में अकेले है, कोई एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, तो फिर ऑल इज वेल इन व्हेन एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? दैट इज देयर. सो सोशल डिस्टेंसिंग आउटसाइड ऑफ द होम होना चाहिए, कीप डिस्टेंस. अगर आपको सिम्टम है तब आपको डिस्टेंस रखना है अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने हाउसमेट से, सबसे. अगर आपको लगता है आप रिस्क में हो तो दूसरों को मत डाले. मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, पैनिक बहुत हो रहा है, हर तीसरे बंदे को ये लग रहा है कि मुझे है, तो कृपया एक बार अपने मन में सिर्फ ये सोच के बोलना कि अगर ये नॉर्मल वर्किंग डे होता, नॉर्मल मेरी जिंदगी होती और मुझे ये फीलिंग हो रहा होता, तो क्या मैं पैनिक करता? क्या ये सिम्टम सिग्निफिकेंट है कि मैं डॉक्टर के पास जाता? अगर हाँ तो डॉक्टर के पास जाओ, अगर ना तो सिर्फ अपने आप को मॉनिटर करो, जो मैंने ऑलरेडी बताया व्हाट टू डू इफ यू आर सिक. ये वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, वीडियो जाके देखिएगा, और कोई भी सवाल हो मुझे भेज सकते हैं आप. इसी तरह के सवालों के जवाब बहुत सारे दे रखे हैं. थैंक यू सो मच. नो ऑफेंस टू हूसोएवर थिंक्स दिस टॉपिक इज आउट ऑफ द सिलेबस. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड. स्टे हेल्दी.